अभी जो टाइम हो रहा है 11:25 और आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गया। ये तो टाइम अभी का है बट मैं सुबह उठा 7 बजे और आज असल में है छुट्टी। जब छुट्टी रहती है तो मैं बहुत ही जल्दी उठ जाता हूँ और जब काम वगैरह रहता है तो फिर आँख ही नहीं खुलती है। स्कूल वालों को तो ये बात अच्छे से पता होगा क्योंकि संडे के दिन 5-6 बजे आँख खुल जाती है और बाकी के दिन जब तक कोई ना बोले कि बेटा उठो पढ़ने जाना है तब तक तो आँख ही नहीं खुलती। अभी बाल देखो सब कैसे बिखरा पड़ा है, इसका भी कुछ दिन में मरम्मत करवाना पड़ेगा। और दाढ़ी वगैरह तो अभी ठीक ठाक है। सोच रहा था जाऊँ अली भाई के सैलून पर थोड़ा बाल का इलाज करवा लूँ क्योंकि ये जब बाल आँख पे आता है ना तो बहुत चीड़ होती है, इसका इलाज तो करवाना पड़ेगा। अभी टाइम ज़्यादा हो गया, 11:30 हो रहा है और धूप भी बहुत ही तगड़ी वाली है, इसलिए अभी थोड़ा रुक के जाऊँगा, अभी थोड़ा यहीं पे सर्वाइव करता हूँ। और बात ही बात में मेरे जेब में पता नहीं कहाँ से 10 रुपये आ गया, अब तो मैं जा रहा 10 रुपये का तुरतुरे खाने। सेठ 10 रुपये का तुरतुरे। कौन सा कुरकुरा? 10 तुरतुरे। हाँ कौन सा कुरकुरा? तुरतुरे। सो 10 रुपये का तुरतुरे मिल गया। टेस्टी तुम लोग के मुंह में पानी आ रहा है ना। तुरतुरे खत्म, अब लग गई प्यास, अब उतना दूर जाऊं पानी पीने ये भी एक बवाल। ये है अपना इंडियंस नंबर 1 डोर। मेरी आंखें अभी तो फिलहाल ठीक हो गई है। ये बहुत ही घटिया वायरस था, घटिया भी था और बढ़िया भी था क्योंकि आंखें जब पैन होती थी ना तो बहुत ही बुरा लगता था कि ये कहां से वायरस में आग लेकर आ गया। बट अगर किसी को आंखें भर कर देख लो ना तो उसे भी ये वायरस हो जा रहा था, इसलिए बहुत ही मजा आ रहा था। मैं बहुत लोगों को मतलब ऐसे देखा और एक दो को तो हो भी गया, आप लोग भी मेरी आंखों में देखो। बट अभी तो मेरी आंखें ठीक हो गई, मुझे पहले दिखाना चाहिए था, अगर ध्यान से देखते ना तो तुम लोग को भी हो जाता। आज बहुत ही ज़्यादा बोरिंग दिन जाने वाला है मेरा, छुट्टी के दिन यहाँ पे रहो तो इतनी ज़्यादा धूप पड़ती है। एक तो दूसरे मंजिले पे रूम है और ऊपर से ये पतरा है, धूप सीधे पतरे पे पड़ती है, पूरा रूम एकदम गर्म हो जाता है। अगर कच्चा अंडा तोड़ दोगे ना तो ऑमलेट बन जाएगा। आज मैं YouTube चला रहा था, फिर मेरे सामने एक वीडियो आई जो कि एक एक्सीडेंट वीडियो थी, वो भी प्रभजोत भाई की थी। मैंने देखा, मैं मतलब एक शॉक्ड हो गया मैं, उसके बाद मैं मुझे लगा फेक रहेगा, फिर मैंने उसको देखा वो रियल निकला। और फिर मैंने मोर अपडेट के लिए यूट्यूब पे सर्च किया कि अभी प्रभजोत भाई का क्या कंडीशन है। फिर मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत ही फेक मतलब ऐसा थंबनेल बना के रखे हैं, दिमाग खराब कर दिए। अभी प्रभजोत भाई का हालत पहले से बहुत बेहतर है और ऊपर वाले से दुआ करो कि वो बहुत ही जल्द ठीक हो जाएं। और मेरी आँख अभी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हुई, फिर से मुझे रेड दिखाई देने लगी। बाकी आज का व्लॉग बस यहीं तक। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।